अभी मैं आ चुका हूँ दांतेवाड़ा, मतलब जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे आ चुका हूँ। हाय रुको, अभी क्या है कि आवाज़ नहीं आ रही, मज़ा नहीं आता। तो आज है 9 जुलाई और अभी हो चुके हैं 11 आसपास हो चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बस स्टेशन पे, हीरो सिटी का जो बस स्टेशन है वहाँ पे, और वहाँ से मैं जाने वाला आज पालमपुर। पालमपुर आज मुझे मिलेगा आंसू, आंसू के साथ हम जाने वाले हैं अभी क्रोमा। मतलब आंसू चला गया क्रोमा क्योंकि वहाँ पे उसका दोस्त का मतलब लैपटॉप लेना है, तो वो चला गया। मैं जा रहा हूँ क्रोमा, उसके बाद हम जाएंगे शायद डी मार्ट के लिए, तो वो भी देखते हैं आज क्या सीन है, क्योंकि आज कुछ पक्का है नहीं अभी तक। और ये देखो हमारा VIP गेस्ट हाउस, मतलब जो मैं बोलता हूँ कि मैं VIP रहता हूँ, तो ये है VIP गेस्ट हाउस। चलो आगे आगे देखते होता है क्या। चलो तो थोड़ी सी आपको यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी जो मेरे नए फ्रेंड्स बने हैं अहमदाबाद मेहसाना, उन लोगों ने देखी नहीं। तो ये देखो, ये है हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मेरा पूरा बचपन गया है। हमारा सरदार वल्लभ भाई का पुतला, वह जो अभी दिख नहीं रहा वो झाड़ियों की वजह से, तो सर पुतला है। और अभी यहाँ पे हम बस स्टेशन पे जा रहे हैं, मतलब बस स्टेशन तो नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि वो जो मेन बस स्टेशन है वो तो आगे है, यहाँ पे स्टॉप है, मतलब स्टॉप समझो। और यहाँ पे है ये वाला, यहाँ पे जो पेड़ दिख रहा है वो हमारा स्टेशन ही है, पर ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे बैठने के लिए, या फिर ऐसा कुछ सिंबल लगा हुआ कि यहाँ पे बस रुकेगी। तो जो जो नए लोग हैं उनको पता नहीं होता कि बस कहाँ रुकने वाली है, तो सामने वहाँ पे शायद खड़ा हुआ कोई दिखे तो वहाँ पे खड़े, वहाँ पे स्टेशन है, और एक यहाँ पे, यहाँ पे आप खड़े रह सकते हो, बस आएगी तो उसमें मैं जाने वाला हूँ। देखो हमारे स्कूल के बच्चे अभी छूटे, मतलब मैं भी यहीं पर बड़ा हूँ, 1 से 10 तक तो मतलब थोड़ा हो रहा है यार, बच्चे मतलब कॉलेज ख़त्म, स्कूल ख़त्म, यार सब ख़त्म कर दिया, जॉब पे लग गया, बहुत थोड़ा वो अलग फील हो रहा है। 6.5 hours later. और ये हम आ चुके हैं क्रोमा में, क्रोमा पहुँच चुके हैं, अभी आंसू अंदर ही है तो उसको मिलेंगे और यहाँ पे फोन वोन देखेंगे। चलो मिलते हैं बाद में। देखो हमारे पीछे क्रोमा है और वहाँ पे आंसू अपने दोस्त को छोड़ने जा रहे हैं, 2 मिनट आता है तो मिलवाता हूँ आपको, 2 मिनट रुको। जो मेरा क्राइम पार्टनर, गेमिंग पार्टनर है वो देखिए बिजी इंसान है, अपनी डील के साथ, अभी नई डील के साथ बात कर रहा है, अपनी डील फ्यूचर डील के साथ बात कर रहे हैं। फ्यूचर डील, नई डील लेने वाला है इसलिए कंपनियों के साथ बात कर रहा है अभी, इसने भी अभी नया लैपटॉप लिया है मेरा ही वाला ही। A few moments later. मुफ्त में मुफ्त के गेम खेलते हुए अभी फोन देख के आए हैं, सैमसंग M53 5G अच्छा लगा, अभी 26 का है, पर अभी देखेंगे अब कैसे लेने वाले हैं। और अभी आंसू आ रहा है, देखेंगे अब कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि पक्का नहीं, मैं बोल रहा था डीमार्ट जाना है, अब उसको पूछता हूँ, अगर वो मान जाए तो चलते हैं, तो वहाँ पे ख़रीदना तो है वैसे भी, थोड़ा कुछ सामान तो लेना है। हाँ जल्दी चलो, दोस्तों अभी हमने डीमार्ट से शॉपिंग कर ली है, पर अभी गड़बड़ हो चुकी है कि हमने वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं की, मतलब मैं व्लॉगिंग की है हाँ। पर रिकॉर्ड नहीं हुआ हाँ, क्योंकि प्ले बटन ही नहीं दबाया हाँ, मतलब अभी ऐसा थोड़ा हो चुका था, अभी क्या करें, क्या कर सकते हैं, अब वापस मैं बोलने वाला, जो भी स्क्रिप्ट मतलब सोची थी वापस बोल रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं, मतलब क्या भैया भूल गया वापस हाँ, तो मतलब कपड़े ले लिए हैं मैंने, अब घर पे जाके मतलब जो भी मैंने लिए एक बार ट्राई आउट करके दिखाऊंगा। और अभी हम जा रहे हैं बस स्टेशन जो पालमपुर में नया वाला बना वहाँ पे, और मतलब सच्ची बोलो ना तो ऐसा बस स्टेशन अहमदाबाद में भी नहीं है, तो आपको दिखाता हूँ अभी, क्योंकि हम जा रहे हैं अभी आंसू की ड्राइविंग दिखाता हूँ मेरे को। तो यहाँ पे बादल हो चुके हैं, मतलब फुल बारिश आने वाली लगता है भाई साहब, भाई जो भी हो देख, रियल मी का भाई कैमरा जो है सही है, मतलब एकदम धासु कैमरा है। अभी हमारे जो नया अहमदाबाद के पालमपुर में बस स्टैंड बना है वहाँ पे, आपको दिखाता हूँ, मतलब एयरपोर्ट से भी कम नहीं है ये वाला, आपको पंखे दिखाता हूँ यहाँ का, 2 मिनट रुको। तो ये देखो घर पे ले जाना है हाँ भाई, एक पंखा अगर एक घर में हो ना, पूरा घर ऐसे ठंडक हो जाएगा,
एक मेरे लिए बुक कर दिया है तो फिर बस सच्ची में देखो पूरा एयरपोर्ट जैसा ये नया वाला बस स्टैंड बना है सही एकदम, मतलब सही भाई कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए अल्फाज नहीं है हमारे पास। अब मेरे पास वैसे भी वर्ड नहीं होते पता नहीं क्यों। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी खुल चुकी हैं पर मतलब अच्छा है, मतलब बोलते हैं ना अब पालमपुर भी ग्रो हो रहा है तो सही है। सीजन टू है ही नहीं, सीजन वन ही है, सीजन वन बस ख़त्म। और ये देखो हमारा मतलब बस मस्त लग रहा है यार, मज़ा आ गया यहाँ पे। अगर रोज आओ टाइम पास कर रही हो मज़ा आ गया। मेरे पीछे है कीर्ति स्तंभ, मतलब पालमपुर की मेन यहाँ पे जो जगह है कीर्ति स्तंभ बोलते हैं वो यहाँ पे। और इसके पीछे यहाँ पे पाताड़ेश्वर महादेव का मंदिर है, मतलब बहुत ही फेमस है यहाँ पे पालमपुर में, मेन जगह आप बोल सकते यही है जो फेमस हो सकती है। ठीक है कीर्ति स्तंभ है और एक हमारे यहाँ पे पाताड़ेश्वर महादेव का मंदिर। तो पालमपुर पहले जैसा था वैसा ही है, मतलब थोड़ा सा ग्रो हो गया है, यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसा सब कुछ है, पर ऐसे सेम ही कह सकते हैं, इतना भी कुछ बदला नहीं है। सीन ऐसा है कि मैं भीड़ भाड़ से थोड़े मतलब जो भीड़ भाड़ हो ना वहाँ पे वीडियो कम ही बनाता हूँ क्योंकि कभी भी फ़ोन चोरी होने का चांसेस हो जाता है। तो हुआ ऐसा सीन है कि मतलब मेरा दोस्त जो हर्षिक है, हर्षिक उसका फ़ोन भी चोरी हुआ था ऐसे भीड़ भाड़ में। तो मतलब थोड़ा डर रहता है कि भीड़ भाड़ में कहीं चोरी ना जाए, इसलिए ऐसी जगह पर ही वीडियो बनाना पड़ता है। अभी जो है पालमपुर के ब्रिज वहाँ पर चल के जा रहा हूँ, मैं आपको पीछे का सीन दिखाता हूँ। और ये है हमारा पालमपुर, देख लीजिए ऐसा पालमपुर है यहाँ। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, अभी मैं वैसे बस में बैठने जा रहा हूँ और अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। तो प्लीज सब सबर कर सारा खबर सबर कराए सारा सारा कब